हेलो गाइस, मेरा नाम है सन्नी। आप देख रहे हैं पासी चैंप और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्वेलिंग इन्हेलर के बारे में कि ड्वेलिंग इन्हेलर को कैसे यूज़ करते हैं और जो ये ड्वेलिंग रैप्सूल्स हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं आई के बटन पर क्लिक करके। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्वेलिंग इन्हेलर के बारे में, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो के आने वाले अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं और आपके सामने हैं ड्वेलिंग इन्हेलर और इसमें भी ड्वेलिंग रैप्सूल्स की तरह दो साल्ट सेम हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और लीवर सल्बुटामोल। और इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो गाइस, पहले मैं आपको इसका MRP भी बता देता हूँ कि इसका MRP कितना है। तो देखिए, 233 का ये है, 233 का इन्हेलर और इसके अंदर एक लिटरेचर होता है और एक इन्हेलर। लिटरेचर में आपको सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि इसको कैसे यूज़ करना है और जो सी बातें इस लिटरेचर के अंदर नहीं लिखी हुई कुछ स्पेसिफिक, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। तो गाइस, ये है लिटरेचर पेपर और आप इसमें जो कंपनी ने बता रखी है इंस्ट्रक्शन, आप उसके हिसाब से इन्हेलर को यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, कुछ ऐसा इन्हेलर आपको मिलता है इसके अंदर और 2050 की कॉम्बिनेशन में आपको जो है ये इन्हेलर मिलता है और ये 200 मीटर डोजेज का जो है ये इन्हेलर है और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसा, और अंदर से ये कैसा दिखेगा गाइस, मैं इसकी कैप खोलकर भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ से जो है मेडिकेशन निकलती है, वेपराइज होती है और आपने हमेशा शेक करके जो है इस इन्हेलर को यूज़ करना है। और जिनको बिल्कुल भी नहीं पता इन्हेलर कैसे यूज़ करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन्हेलर को कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, इन्हेलर लेने से पहले आपने इसको शेक करना है और उल्टा रख के इसको आपने अपने मुंह पर लगाना है और इसे नीचे की तरफ दबाना है। जब आप दबाएंगे, उससे पहले आपने मुंह से एक लंबी सांस लेनी है जो फेफड़ों में जाए, पूरी की पूरी एक्सपेल होनी चाहिए फेफड़े। और सांस लेने के बाद दवाई भी आपके साथ सांस लेने के साथ फेफड़ों में जाएगी और आपने उस ब्रीथ को कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रोक कर रखना है ताकि जो फेफड़ों में दवाई गई है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और देखिए, कुछ ऐसे आपने पकड़ना है इन्हेलर को और मुंह पर लगाना है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि मैंने कैसी इंस्ट्रक्शन बताई आपको लेने की और डॉक्टर ने जिस तरह से जितनी बार आपको प्रेस्क्राइब किया है ये पंप लेने के लिए, आप उसके हिसाब से जो है ये इन्हेलर ले सकते हैं। कई बार डॉक्टर दिन में 4 बार बोलते हैं और कई बार 6 बार भी बोल देते हैं और उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और एक मिथ है लोगों का कि पंप लेने की आदत पड़ जाती है, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम साल्ट्स हैं जो नेबुलाइजर में होते हैं, नेबुलाइजेशन के जो रैप्सूल्स आते हैं ड्वेलिंग के, सेम साल्ट्स हैं इसके अंदर भी। तो इसका कोई एडिक्शन नहीं होता, कोई आदत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, ये नेबुलाइजर का एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है। तो इतनी आज की हमारी ये वीडियो थी इसके ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करके शेयर कर लें उन सभी लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो। और आप मेरी वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं और मुझे हेल्प कर सकते हैं मेरे 10,000 सब्सक्राइबर को पूरा करने में। और मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलता हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। ओके, टाटा, बाय बाय।